अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक विच इज एरोसोल। एरोसोल को हमने हमने पढ़ा था कुछ हद तक। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मिटरिंग बॉल्स से। मिटरिंग बॉल्स होते हैं यूज फॉर डिस्पेंसिंग ऑफ पोटेंट मेडिकेशन। अब मिटरिंग बॉल्स हम क्यों लगाते हैं कि वो मीटर कर दें, कि हम वो एक जो हमने जितनी स्पेसिफाइड अमाउंट में हमें मेडिसिन चाहिए होती है जितनी अमाउंट में हमें मेडिसिन चाहिए उतनी ही डिलीवर हो, ये नहीं कि उससे ज्यादा हो या उससे कम हो। एक्चुएटर स्पेशली डिजाइन बटन्स विच हेल्प्स इन डिलीवरिंग द ड्रग इन ड्राइव्ड फॉर्म। ओके, एक्चुएटर क्या है कि मतलब वो सुराख है जहां से हम अपना अपनी डिजायर्ड फॉर्म में ड्रग को डिलीवर करते हैं, लाइक स्प्रे में, वेट फॉर्म में, फोम में और सॉलिड स्प्रे में। टाइप्स ऑफ एक्चुएटर में भी यही है, स्प्रे एक्चुएटर्स होते हैं, फोम एक्चुएटर्स होते हैं, सॉलिड स्टीम एक्चुएटर्स होते हैं, स्पेशल एक्चुएटर्स होते हैं। ये कुछ उसकी डायग्राम्स भी हैं, इमेजेस। फिर आगे फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसोल्स है। फॉर्मुलेशन ऑफ एरोसोल्स में दो चीजें हैं, एक प्रोडक्ट कंसेंट्रेट है और एक प्रोपेलेंट है। प्रोडक्ट कंसेंट्रेट मैंने आपको बताया वो एक्टिंग इंग्रेडिएंट और जो बाकी के उसमें नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स मिक्स्ड है, ये वो सब्सटेंसेस हैं। और जो प्रोपेलेंट है वो है प्रोपेलेंट सिंगल और ब्लेंड ऑफ वेरियस प्रोपेलेंट इज यूज्ड। जो प्रोपेलेंट है वो हमारा प्रोपेलिंग मिक्सचर है, वो मिक्सचर भी हो सकता है, अकेला भी हो सकता है यूज। आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। अब इसमें दो हम सिस्टम डिस्कस करेंगे, सॉल्यूशन सिस्टम एंड सस्पेंशन और डिस्पर्शन सिस्टम। सॉल्यूशन सिस्टम, दिस सिस्टम इज आल्सो रेफर्ड टू एज टू फेज सिस्टम। जो सॉल्यूशन सिस्टम है वो टू फेज सिस्टम है, वेपर और लिक्विड फेज। मतलब जो प्रोपेलेंट है उसके वेपर भी प्रेजेंट है और वो प्रोडक्ट कंसेंट्रेट में भी प्रेजेंट है। Effective is active ingredient is soluble in propellant, no other solvent is required. The vapor system of the vapor pressure of system is reduced in by the addition of glycol, glycerin, ethanol, acetone, propylene, etc. ये क्या करता है कि larger particles को produce करता है upon spraying. Amount of propellant may vary from 5% to 95% for inhalations. Depending on water content, the final product may be solution or three-phase system. अब ये solution भी हो सकता है और three-phase system भी हो सकता है। Solution aerosols produces a fine spray of coarse spray, fine to coarse spray, hydrocarbon propellant produce dry or particles, while propellant A17, A31 tend to produce a wetter spray. ये टॉपिकल प्रिपरेशंस के लिए यूजफुल है। पैकेज इन प्लास्टिक कोटेड ग्लास कंटेनर्स। फिर आगे है सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम में जो डिस्पर्शन है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की वो प्रोपेलेंट और मिक्सचर ऑफ प्रोपेलेंट्स में होती है। ओके, जो टू डिक्रीज द रेट ऑफ सेटलिंग ऑफ डिस्पर्शन पार्टिकल्स सर्फेक्टेंट और सस्पेंडिंग एजेंट्स कैन बी एडेड, primarily used for inhalation aerosols. इसमें formulation ये आपको नजर आ रही है। तो जो epinephrine bitartrate है has minimum solubility in propellant system but soluble in fluids in the lung. Physical stability of aerosol dispersions can be increased by reduction of initial particle size, adjustment of density of propellant, use of dispersing agents and the use of derivatives of active ingredient. Manufacture of pharmaceutical aerosols में हम pressure filling पढ़ते हैं और cold filling apparatus पढ़ते हैं। Pressure filling it consists of pressure burette capable of metering small volumes of liquefied gases into the aerosol container under pressure. अब जो प्रोपेलेंट हम ऐड करते हैं वो इनलेट वॉल्व के थ्रू ऐड करते हैं,
located at the bottom or top of the pressure barrier. The propellant is allowed to flow with its own vapor in the container through aerosol valve. The trapped air escapes out from the upper valve. Propellant stops flowing when the pressure of burette and container becomes equal. जब हमने एक burette को attach किया valve assembly के साथ, उसमें जो अब हमारे जो container है, वो खाली है, और उसमें pressure नहीं है। जैसे-जैसे हम उसमें filling करते हैं, तो उसमें भी pressure create होने शुरू होता है। जैसे ही burette और container का pressure equal हो जाता है, तो वहाँ पे flowing रुक जाती है। फिर आगे है propellant is to be added a hose rubber pipe leading to a cylinder of nitrogen is attached to the upper valve. The pressure exerted by nitrogen helps in the flow of propellant into the container. Piston arrangement also used. आगे हमारे पास है इसके advantages of pressure filling. एडवांटेजेस क्या हैं कि जो सॉल्यूशन इमल्शन सस्पेंशन हैं वो इस मेथड से हम फिल कर सकते हैं. कंटेमिनेशन ड्यू टू मॉइस्चर बहुत कम होती है. हाई प्रोडक्शन स्पीड है और लॉस ऑफ प्रोपेलेंट इज लेस. डिसएडवांटेजेस सर्टेन टाइप्स ऑफ मीटरिंग वॉल्व कैन नॉट बी हैंडल्ड. प्रोसेस इज लोअर देन कोल्ड फिलिंग. अब हम देखते हैं कोल्ड फिलिंग क्या है. कोल्ड फिलिंग क्या है कि ये इंसुलेटेड बॉक्स फिटेड विद अपर ट्यूबिंग्स एंड द ट्यूबिंग्स आर कॉइल्ड टू इंक्रीज द एरिया ऑफ एक्सपोज टू कूलिंग. तो ये जो इंसुलेटेड बॉक्स होता है उसको ड्राई आइस के साथ हम फिल कर सकते हैं और फिर जो अपैरेटस है वो उसको हम मीटर्ड वॉल्व के लिए भी यूज कर सकते हैं और मीटर वॉल्व के अलावा भी यूज कर सकते हैं. हाइड्रोकार्बन प्रोपेलेंट कैन नॉट बी फिल्ड इनटू एरोसोल कंटेनर यूजिंग दिस अपैरेटस. तो दिस मे लेड टू फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर. फ्लोरोकार्बन वेपर्स आगे इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है कि नॉन एक्वस प्रोडक्ट जो है उसको हम लो टेम्परेचर पर विस्टैंड कर देता है. तो ये जो प्रोडक्ट कंसंट्रेट है उसको हम चिल्ड करते हैं, ठंडा करते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पे और एंड फिल्ड इनटू ऑलरेडी चिल्ड कंटेनर. जो कंटेनर है उसको भी हमने चिल्ड करके रखा होता है. देन द चिल्ड प्रोपेलेंट इज एडेड कंप्लीटली इन वन और टू स्टेजेस डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट. अनदर मेथड इज टू चिल बोथ द प्रोडक्ट कंसंट्रेट एंड प्रोपेलेंट इन सेपरेट प्रेशर वेसल. The valve is placed and crimped to the container. जब हमने सब कुछ fill कर लिया है, उसके बाद जो है valve को हम उसके container में fix कर देते हैं. तो इस तरह से भी हम filling मुकम्मल कर चुके हैं. अब इसके कुछ advantages हैं कि ये easy process है. Disadvantages है कि इसमें loss होता है propellant का. और aqueous product, emulsion, those products adversely affected by cold temperatures cannot be filled by this temperature by this method. Thank you for today's lecture. Okay friends, Allah Hafiz. Take care of yourself and don't forget to subscribe and like my channel. Allah Hafiz.